अच्छी साफ सुथरी पिक्चर बनाई है, पूरे आप परिवार के साथ देख सकते हैं, आपकी रीत रिवाज के साथ बनाई है और एक अच्छे मैसेज और अच्छे संदेश के साथ बनाई है और अपनी तरफ से हमने अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश की है। बाकी आप लोग तो रोज़ पिक्चरें देखते हैं तो हमसे ज़्यादा बढ़िया प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं हमारी पिक्चर के बारे में। इतनी इतनी दर्शकों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, क्या ऐसी उम्मीद थी? सर देखो उम्मीद तो थी और ज़्यादा मिलेगा और मिलने की उम्मीद के मायने से ही बनाई थी पिक्चर और हमने कोशिश करी है, लेकिन ये रमज़ान के महीने में इतनी अच्छी उम्मीद मिलेगी इतनी उम्मीद नहीं थी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, मैं सारे कलाकारों के साथ लगातार काम कर रहा हूँ और इस नई जोड़ी के साथ राघव और क्षिप्रा के साथ भी काम किया है। रमेश जी ने बहुत ही दरिया दिल से ये फिल्म बनाई है और इसकी पब्लिसिटी भोजपुरी के हिसाब से हम लोग आते आते कई निर्माताओं के साथ स्थिति ये होती है कि वो पब्लिसिटी के समय उनका बजट कम पड़ गया होता है या इस लेवल पर पब्लिसिटी वो नहीं करते, लेकिन जिस लेवल पर इन्होंने भोजपुरी फिल्म की पब्लिसिटी की है अपने आप में एक मिसाल है और इससे दूसरे निर्माता भी एक सबक लेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बहुत कुछ बल मिलता है जब पब्लिक बड़े बड़े होर्डिंग शहर में देख रही है। मुंबई जैसे शहर में जहां हिंदी फिल्मों के होर्डिंग लगते हैं उस लेवल पर हमारी भोजपुरी फिल्मों के होर्डिंग लगे हैं, बहुत अच्छी शुरुआत की गई है और मैं इस नई जोड़ी को शुभकामनाएँ देता हूँ। रमेश जी को धन्यवाद भी दूंगा कि मैं इस फिल्म में काम किया हूँ और बहुत ही अच्छी फिल्म इन्होंने बनाई, एक साफ सुथरी फिल्म। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि परिवार के साथ आएं, पिक्चर देखें और इस नई जोड़ी को आशीर्वाद दें। रमेश जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, इस रमजान में अच्छे दिन आगे लगता है राघव को और आपके? सर राघव मैं तो कह रहा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छे दिन आए, बाकी विस्तारों की फिल्में अच्छी चले और थोड़ा सा मैं ये बाकी सारों को भी कहूँगा कि आप इतना पैसा लेते हो, दो दिन अपनी पिक्चर की प्रमोशन में दोगे तो वही पिक्चर आपको कमा के देगी, आपके प्रोड्यूसर को कमा के देगी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कमा के देगी। पवन सिंह, जैसे खबरों से पता चला है, सूत्रों से पता चला है कि पवन सिंह इसमें थे पहले? नहीं, पवन सिंह थे नहीं, मैं उसके लेके प्रोजेक्ट लेके गया। अच्छा अच्छा, क्या क्या कुछ वाकया रहा उनके साथ? तो नहीं, उन्होंने क्या रीज़न बताया? नहीं, उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि प्राइस तो चलो बात ऊपर नीचे हो जाती है कि यह सबसे बड़ा रिस्क है कि नए लड़के से काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, आपको उस बंदे ने क्या गलती करी जितने आपको लॉन्च किया था, उस समय आप भी तो नए थे ना, तो आपके कहने से आपको नया स्टार नहीं आना चाहिए। तो उसी दिन मैंने ठान ली कि अगले दिन मैंने फिल्म शुरू कर दी और 27 नवंबर को मैंने शुरू करी थी, आपके सामने 25 मई को लगा दी बिना किसी फिल्म बनाने के बावजूद। भोजपुरी में कितने टाइम में लोग बनाते हैं, कब रिलीज़ करते हैं, आपको सब पता है। मैंने 5 महीने फिल्म 6 महीने रिलीज करके दिखा दी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है पवन सिंह के सर पे स्टारडम सवार हो गया? सर देखो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे इंसान है वो और बहुत सुलझे हुए इंसान है, बस मैं ये कहूँगा कि वक्त के हिसाब से चलना चाहिए बस। आखिरी में चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स से, जिन्होंने अभी तक तो देख लिया, बहुत लोगों ने देखी है? मैं यही कहना चाहूँगा, आप पवन सिंह की पिक्चर भी देखो, दिनेश लाल की भी देखो, किसी लाल की देखो और राघव को अपना प्यार दो। थैंक यू सर।